एक बार फिर से मेरे न्यू टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। ये देखते हैं शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि जिले के 35 शिक्षकों को बर्खास्त करने में लगा विभाग, जिसमें से 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। आपको बता दें कि 11/7/2023 को हुए आंदोलन के वजह से 7 शिक्षकों को बर्खास्त करने का पत्र हो चुका है जारी, जिसमें टोटल 35 शिक्षकों को बर्खास्त करने का शिक्षा विभाग का प्लान है, लेकिन फिलहाल 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 7 शिक्षकों का नौकरी अब चली गई है। आपको पत्र भी हम पढ़कर बता दे रहे हैं कि आखिर कौन जिला का है, कौन कौन शिक्षक को क्यों बर्खास्त किया गया है। कि आप पत्र देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा निकला हुआ है, जिसका पत्रांक है 2280, प्रेषक है मिथिलेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान। विषय है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त करने के संबंध में। उपयुक्त विषयक दिनांक 11/7/2023 को पटना मुख्यालय में उपस्थित होकर पटना धरना प्रदर्शन कार्य में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों से संबंधित फोटोग्राफ प्राप्त है। ऐसे शिक्षकों पर बिहार पंचायत नगर प्राथमिक विद्यालय सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 की कंडिका 1 में यथा वर्णित आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का निर्देश प्राप्त है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले निम्नलिखित शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह और श्री सरफराज अहमद और श्री उद्दीन अहमद और रियाज सफदर, श्री सजाद अली और श्री संजीव रंजन तिवारी, यहाँ पर देख रहे हैं यह सभी गोरिया कोठी प्रखंड के शिक्षक हैं। इनका विद्यालय का भी यहाँ पर नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 7 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको दिखा दे रहे हैं कि 35 शिक्षकों पर भी कार्रवाई करने का सिलसिला चालू है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 शिक्षकों के बर्खास्तगी की कार्रवाई में जुटा विभाग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिवान जिला का है। टोटल 35 में से 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। शेष पर निगरानी चल रही है, इन पर भी किसी भी समय गाज गिर सकता है शिक्षा विभाग का। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।